गुजरात में एक और जडेजा सुर्खियों में, एनसीपी से टिकट कटा, एसपी का दामन थामा। अब कुटियाना सीट से किया नॉमिनेशन। गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। सियासी सरगर्मियों के बीच कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो सुर्खियां बटोर रहे हैं। अगर जामनगर नॉर्थ की बात करें तो यहां पर क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवावा जडेजा मैदान में है। उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया है, उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी होने के चलते रिवावा जडेजा सुर्खियां बटोर रही है। दूसरी तरफ जडेजा सरनेम के एक और प्रत्याशी ने लोगों का ध्यान खींचा है। इस प्रत्याशी का नाम है कंधाल जडेजा, जो गुजरात में गॉड मदर के नाम से मशहूर संतोख बेन जडेजा के बेटे हैं। कंधाल जडेजा ने अपनी पुरानी सीट कुटियाना से नामांकन भी दाखिल कर दिया है। कंधाल जडेजा एक डॉन परिवार से आते हैं। उन्हें एनसीपी ने चुनाव के दौरान टिकट नहीं दिया तो कंधाल ने पार्टी छोड़ दी। फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और उसी के प्रत्याशी के रूप में अपनी पुरानी सीट कुटियाना से नामांकन दाखिल कर दिया है। मैंने बीजेपी को वोट दिया था, वोट मैंने इसलिए दिया था कि जो मेरा जो ये एरिया है उसके विकास के कामों के लिए मैंने वोट दिया था बीजेपी को। यहाँ पे एक गुजरात में बीजेपी सरकार आपको मालूम है पिछले 30 साल से मेरे ख्याल से, तो उसकी वजह से मैंने 2012 से 2017 में बीजेपी को वोट दिया। उन लोगों ने जो मेरे काम है विस्तार के जो एरिया के वो सब काम किए, उसमें ना नहीं बोल सकता हूँ मैं। फिर 2017 से 22 तक वापस मैंने वोट दिया, मेरा पक्ष अलग है, बीजेपी है, कांग्रेस है। जब देखो 2012 में कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन हुआ था, हम दोनों साथ में लड़े थे। फिर 17 में मैं अकेला लड़ा था, मेरे सामने कांग्रेस भी थी बीजेपी भी थी। इस बार भी वैसा है मैडम, उसके जो कैंडिडेट है बीजेपी के, कांग्रेस वाले, आप वाले हैं, सब लड़ रहे हैं मैडम। 13 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, 13 लोग अभी मेरे सामने है। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में कंधाल जडेजा कुटियाना सीट से ही उतरे थे। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट्स को हराया था। इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने एनसीपी से गठबंधन किया है। इसके बाद कुटियाना सीट कांग्रेस के खाते में चली गई, लिहाजा कंधाल जडेजा का टिकट कट गया। इसके बाद कंधाल जडेजा ने सपा के टिकट पर कुटियाना से ही नामांकन दाखिल कर दिया। 2012 में जब मैं एनसीपी को लेकर यहाँ पे किसी को मालूम था कि एनसीपी कोई पक्ष है। 2012 में किसी को मालूम था कि एनसीपी करके कोई पक्ष है। तो आज 2012 में इलेक्शन लड़ा, फिर 2017 में एनसीपी में से मैं 2 बार मिल रहा, 2 बार जीता हूँ। तो यहाँ पे जो लोग हैं ना, ये लोग सब लोग मेरे जो वोटर है, मेरा जो परिवार है, वो लोग पक्ष नहीं देते, वो मेरे को देख के मत देते, मेरे नाम पे मेरे को वोट मिलता है। अभी मैं साइकिल लेके आया हूँ, जो साइकिल की सवारी की है वो चालू है मैडम। आपने कहा कि आपके नाम से, आपके नाम के आधार पर वोट मिलता है, क्या वजह? मेरे नाम के और मेरे काम से मिल रहे। देखो मेरी मम्मी यहाँ पे एमएलए थी, मेरे अंकल थे, मेरे फादर जो थे सब गरीबों काम करते थे, सब ऐसा कोई नाती नहीं, इसका हमारी कास्ट है उसका नहीं, सब कास्ट का काम किया उसने। मैं सपा में से हूँ, कांग्रेस वाले आप वाले सब अपनी तरह से अपनी अपनी चॉइस से सब प्रचार कर रहे हैं, सब घूम रहे हैं। बड़ा फैसला तो जनता को करना है, ना मुझे करना है, ना आपको करना है, ना उसको करना है, और जनता मेरे साथ में है। ये जो है मेरा पूरा परिवार है। और सुनिए, बीजेपी कांग्रेस अभी तो बसपा नहीं है, इस बार बसपा वाला अनुभव नहीं भैया, इस बार आप वाले सब लोग रहते हैं। फिर भी मैं जो अभी हूँ ना, 2012 में फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा था, उस टाइम भी सब लोगों ने मुझे प्यार दिया था। मेरे काम जो बाकी, विकास के काम बाकी, अभी बहुत काम यहाँ पे पिछले 50 साल में कुछ नहीं हुआ था, अभी 10 साल से मैं कर रहा हूँ, अभी बहुत काम बाकी है। और जो आप मेरी बात समझो, अगर मेरे को काम करवाना है, काम करना है मुझे, तो जो सरकार है काम वहाँ से लेना पड़ेगा ना। बता दें कि गुजरात में 2 फेज में चुनाव होने हैं, 1 दिसंबर को पहले और 5 दिसंबर को दूसरे फेज की वोटिंग है, जबकि 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे घोषित होने हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।